नमस्ते भारत में अब समय है सोशल मीडिया में सबसे चर्चित तस्वीरों के बारे में आपको अपडेट देने का। कि जीवन में जब कोई नहीं जानता था उस समय से बापू के आशीर्वाद मुझे मिलते रहे हैं, स्नेह मिलता रहा है, आज भी उतना ही स्नेह मिल रहा है। कैसे और मैं मानता हूं कि बापू के शब्दों में एक यौगिक शक्ति रहती है। अच्छा, उस यौगिक शक्ति के भरोसे हम करोड़ों गुजरातवासियों के सपने साकार होंगे। मैं बापू के श्री चरणों में वंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। वाह वाह, पूज्य बापू के प्रेम, उनके आशीर्वाद, उनके शुभकामनाएं मुझे एक नई शक्ति देंगे। उस विश्वास के साथ यहाँ आने का अवसर मिला, मैं अपने आप को भाग्यवान मानता हूँ। पूज्य बापू के श्री चरणों में नमन। भक्त जनो, कैसे हो सालो? જે જગ્યાએ મને કામ કરવાની જવાબદારી મળી છે, સંતોની શિક્ષાને કારણે, દીક્ષાને કારણે, આધ્યાત્મિક જીવન પ્રત્યે આદર હોવાને કારણે મને જે જવાબદારી મળી છે, હું પૂજ્ય બાપુના ચરણોમાં નતમસ્તક થઈને કહું છું કે આપના આશીર્વાદમાં સામર્થ્ય છે। રુકો જરા, સબર કરો। હું અહીંયા મુખ્યમંત્રી તરીકે નથી આવ્યો, ફક્ત ને ફક્ત તમારો નરેન્દ્ર મોદી, પૂજ્ય આશરામ બાપુનો નરેન્દ્ર, એમના ચરણોમાં આશીર્વાદ માટે લેવા આવ્યો છે। મોત મુજે ક્યો નહીં આ જાતી હૈ, મેં યે દિન દેખને સે પહેલે રાજીવ તલવાર મર ક્યો નહીં જાતા હૈ। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। म्यूजिक। भारत माँ का है संतान, देव नहीं तू है इंसान, कमल का फूल है तेरा निशान, मोदी तेरी लीला महान। जब भगवान ने तुझे बनाया, मलमल के साबुन से नहाया, कहते हैं सब सब विद्वान, मोदी तेरी लीला मान। भारत माता है संतान, देव नहीं तू है इंसान, कमल का फूल है तेरा निशान, मोदी तेरी लीला मान।